कोटा शहर के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में जनता बूट हाउस के मालिक किशन लाल ने बिना परमिशन के 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दी है। बिना परमिशन बनी 5 मंजिल बिल्डिंग की वजह से पड़ोसियों के मकानों में दरारें आ गई है। जनता बूट हाउस के मालिक द्वारा बनाई गई 5 मंजिल बिल्डिंग के पास में अर्जुन सोनवाल का मकान बना हुआ है। अर्जुन सोनवाल और उसकी माता मुन्नी बाई ने बताया कि इस 5 मंजिल बिल्डिंग की वजह से हमारे मकान में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। मकान में दरारें आने की वजह से हमारा मकान कभी भी धराशायी हो सकता है। हमारे परिवार के सदस्यों के साथ ही हमारे छोटे छोटे बच्चे भी डर के साए में जीते हैं कि कहीं किसी रोज ये मकान हमारे ऊपर नहीं गिर जाए। इस मामले की हमने कई बार नगर निगम में शिकायत दे दी है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। ना इस अवैध में बिल्डिंग के ऊपर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। हमारा मकान फट रहा है सारा, सिंधी को कुछ ध्यान नहीं धरता। मकान फट के और नीचे आने में कुछ देर नहीं है, बच्चे भी डरते घर के अंदर आने से। क्या करे, कलेक्टर साहब नहीं सुन रहे, कोई थाने में नहीं सुना दे रहे। किसके पास जाए? ये सिंधी का गोदाम बना हुआ है। सिंधी ने सारे चुनाव से हमारे मकान की ऐसी कम तेजी कर दी। मकान ये 5 मंजिल बना लिया कोई बगैर इजाजत, कोई इजाजत भी नहीं है उसके पास। मेरे मकान में पूरे में दरारें आ गई, पूरा फट गया, फट चुका मकान। बच्चे डरते हैं अंदर आने से। नुकसान हुआ, मेरी टीवी फूट गई, मेरा हाथ में ये पेरेंट्स का फूल गिर गया, तो हाथ में लगी हुई है चोट। मैं अर्जुन सोनवाल, पुरानी सब्जी मंडी से बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, जो अवैध तरीके से बन रही है। इसकी ना ही कोई परमिशन जांच है और ना ही कुछ है। इस बिल्डिंग की बनने की वजह से क्या है कि हमारे मकान में क्या दरारें आ चुकी है। दरार इतनी खतरनाक हो आ रही है जिसकी कोई वजह नहीं, मकान कभी भी दरासाई हो सकता है। जैसे क्या है कि हमारे मकान में दरार आ गई। मैंने पुलिस, जिला कलेक्टर में भी दिया, अदालत में भी दिया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी दिया, नगर निगम में भी दिया, SP ऑफिस में भी कंप्लेंट दर्ज करा दी। किसी ने भी एक्शन नहीं लिया अभी तक। अभी तो मैं कोर्ट में चक्कर काट रहा हूँ।